हाय दोस्तों, अगेन वेलकम माय चैनल। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे मतलब प्ले स्टोर पर किसी भी ऐप को, जैसे आपने कोई ऐप ढूंढा प्ले स्टोर पर तो आपको अच्छा लग गया और आपको उसे अभी डाउनलोड नहीं करना, आप सोच रहे हैं कि मैं भविष्य के लिए उसको रख लूँ, मतलब बाद में वो ऐप मेरे को आसानी से ढूंढने को मिल जाए और उस ऐप को बाद में मेरे को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो और मैं बिल्कुल आसानी से उस ऐप को बाद में ढूंढ पाऊँ, तो ये वीडियो आपके लिए मैं बिल्कुल आसान से ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊँगा कि आपको प्ले स्टोर पर एक सेटिंग है या ऑप्शन है, उसका यूज करके आप बिल्कुल आसानी से किसी भी ऐप को आप फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, उसको बाद में ढूंढ सकते हैं। मतलब जैसे आपने उसको देखा तो वहाँ पर आप अभी उसको डाउनलोड नहीं करना चाहते, बाद में करना चाहते तो बाद में पता चले आपने ढूंढा और मिला नहीं ऐप, तो इस तरह से आप उसको कैसे एक लिस्ट पर ऐड करके बाद में आप उस ऐप को बिल्कुल आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो में आसान से ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना। उसके बाद आप जैसे कोई भी ऐप, मान लीजिए मैंने इसको सर्च किया, ठीक है, अब इस ऐप को मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब बाद के लिए इसको रख लूँ, तो क्या है कोई कोई ऐप होती है वो आपकी लिस्ट पर ऐड नहीं होती। अभी मैं इस ऐप को देखता हूँ, ये हाँ जैसे ये ऐप है, तो यदि मैं इसको चाहता हूँ कि मैं बाद के लिए इसको रख लूँ, कभी भविष्य में मेरे को ढूंढने में इसको दिक्कत ना हो, बाद में बिल्कुल आसानी से मेरे को ये ऐप मिल जाए, तो आप यहाँ पर सीधे क्लिक करेंगे ऐड टू दिस लिस्ट का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऐप आपकी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगी और यहाँ से आप इसको बाद में, ये देखिए यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से बाद में इस ऐप को ढूंढ सकते हैं। मैं आपको इस लिस्ट को दिखा देता हूँ, ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी प्ले स्टोर पर। इसके लिए आप थ्री डॉट्स पर जाएंगे, यहाँ पर देखें विश लिस्ट का ऑप्शन है, इस लिस्ट पर देखिए, ये देखिए मैंने इतने अभी मैंने इसको ऐड किया, तो ये ऐप लूडो किंग भी यहीं पर ऐड है। तो इस तरह से आप बाद में किसी भी ऐप को प्ले स्टोर पर ऐड करके बाद में बिल्कुल आसानी से ढूंढ सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी सेटिंग है, इसका आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, यदि अच्छा ना लगा तो डिसलाइक करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।